वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सदीक साहब, 18वीं तरमीम तो आजकल बड़ी यानी इस पर बहस जारी है। मैं इस पर गौर जब मैंने किया तो मैंने देखा कि अगर कोई भी आइन होता है, आइन में अमेंडमेंट मकरना कर सकती है, लेकिन अगर बुनियादी ढांचे ढांचा ही बदलना हो तो क्या यही असेंबली जिसको ये मैंडेट नहीं होता कि कुछ आइनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर आप वो मेन फीचर को बदलना चाहें तो आप दोबारा अवाम के पास वो पैगाम लेके जाएं कि ये दस्तूर सा असेंबली में मेन यानी अमेंडमेंट के लिए असेंबली है, उसमें ये 18वीं तरमीम में ये फीचर होंगे, सूबाई खुद मुख्तारी होगी, क्योंकि इससे पहले बातें चल चुकी कि यही जो मुजीबर रहमान के 6 पॉइंट थे उनमें 5 यही हैं। अच्छा, वजह यह है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या ये असेंबली इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर सकती थी? अगर कर ली तो जो जो इन्होंने वादे किए थे कि ये हम 14 साल तक बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, अगर उस पर अमल नहीं किया, लोकल गवर्नमेंट पर हम काम करेंगे वो नहीं किया, तो फिर जो इन्होंने किया था वो तो फिर इनका वो खत्म हो गया जो वादा मुहैद किए थे। इस पर बहस करने की क्यों ये कहते हैं जरूरत महसूस नहीं? वो जो सिंध वाला हमारा है पीपल पार्टी के जो सरबरा है वो रोजाना धमकी देते हैं। अरे मैं बड़े बड़े हुए दिल से और भराई हुई आंखों से मैं बड़ी बात करने लगा हूँ आज, और आपके चैनल में पहली दफा करने लगा हूँ। मैंने आपको बताया था कि लॉयर्स मूवमेंट एक इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा थी, ये 18वीं तरमीम भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। इनके पीछे कौन लोग हैं जिन्हें आज सो कॉल्ड लिबरल, रजा रबानी कौन है जो सो कॉल्ड लिबरल का हेड है? आज उठाकर देख लें कहां उठता है कहां बैठता है। आप आए और वो उन्हीं के साथ कौन कौन से लोग हैं? अफरसियाब खटक, ये जो गुलले इस्माइल और ये पीटीएम के जो लोग आपके सामने आ रहे हैं बिहाइंड द कर्टन, और कहीं ना कहीं इफ्तिखार चौधरी का भी किसी स्टेज के ऊपर नाम आएगा, याद रखिएगा। मैं आपको बताऊं, इफ्तिखार चौधरी के दौर में 18वीं तरमीम चैलेंज हो गई थी, सिर्फ अपने जजिस की हद तक ना 19वीं तरमीम करा ली, बाकी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने यानी अगर वाकई इस मुल्क के साथ मुखलिस होते ना तो बैठ के 18वीं तरमीम की पिटीशन अपने दौर में डिसाइड करके जाते। जुल्म क्या हुआ जो आपने बड़ी जबरदस्त, मैं चौके देखिए आईने पाकिस्तान 1973 का आईन, एक मुतफक्का आईन और आईन साज असेंबली ने बनाया था। आप वोट लेके आए थे कि आईन बनाना है और आईन साज असेंबली ने, फिर आप देखें जो मौजूद हैं उनके हफीज पीदा साहब के हवाले से या बाकी लोगों के, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से देखें तो उनकी डिबेट्स पढ़ लें, यहाँ भी डिबेट्स पढ़ लें, आपने डिबेट्स पढ़ी नहीं, आप एक एजेंडा लेकर आए थे और 102 तरामीम सजेस्ट की, कितनी मैं कह रहा हूँ 102, 270 के करीब आर्टिकल्स हैं डबल ए वगैरह वो डालने थोड़ा बहुत करके आप, तो 102 आपने आधे आईन से शक्ल एजेंडा क्या था? 3 एजेंडे हैं। सबसे पहला एजेंडा ये था जो वाह उसका तरीकाकार अगर देखें पंजाब में तो आपको पता है इन्होंने पीएमएलएन ने सिर्फ तीसरी दफा सदार वजारत उज़्मा लेने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन साथ एक एजेंडा क्या था। उसके बाद आपने देखा अगर 18वीं तरमीम को वाकई डिवॉल्व करना था तो आर्टिकल 140A भी था, लोकल गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करना था। क्या किया आपने? आपने तो यहाँ पंजाब प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, प्राइवेट कंपनियां बना दी, और एलडीए को छोटा पंजाब बनाने के लिए, मैं लफ्ज क्या कह रहा हूँ, छोटा पंजाब बनाने के लिए एलडीए को इख्तियार दे दिया। एलडीए ने शेखोपुरा को और काना को साथ मिलाकर आगे बैठाना कसूर सर है, ये आपने सोचे रहे। और दूसरा देखिए, कभी आपने ये सोचा है कि मेट्रो के प्रोजेक्ट सारे हैं ये स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? इंडियन बॉर्डर्स के करीब, कोई जीटी रोड से शुरू होता है, कोई फिरोजपुर रोड से शुरू होता है, जरा गौर तो करें इस बात को जो ग्रेटर पंजाब की बातें बैठे कर रहे हैं ना, तो एजेंडा समझ आ जाए। फाइनेंशियल यानी सूबाई खुद मुख्तारी का करना का मकसद गया था कि हमें कोई पूछे ना, और ये जो 18वीं तो बड़ी बात कर रहे हैं यानी यार मैं हकीकत देखे मेरा ये, मैं अपने ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदा, 18वीं तरमीम का मामला भी रिसेंट मैंने छेड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, जब कोरोना ऑर्डिनेंस जब मामला शुरू हुआ तो मैं लेके गया हूँ सीएमए, मैंने दाखिल किया बाकायदा और सीएमए मैंने सवाल उठाया, और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 151 की बात भी की है। और बड़ा सिंपल सा क्या हुआ, आपने एजुकेशन का मामला उठा लिया, आप बताएं 2010 से पहले हमारे मुल्क में तालीम बड़ी जबरदस्त थी सर, प्राइवेट स्कूल काम कर रहे थे, सेंट्रल मॉडल स्कूल, कई नाम मैं बताना चाहूं, आज इंडस्ट्री बन चुकी है, अरबों खरबों रुपए बनाया जा रहा है। फिर दूसरा सेहत का आर्टिकल तक कई लोगों को तो पता ही नहीं, मैं तो कहता जिन्होंने साइन किए हैं तो मैं दावे से कहते टेलीफोन कर लें उनको, आर्टिकल हुई तो क्या होता, हकीकत बता रहा हूं आपको। आप यहीं से आए ना, हेल्थ आपने और हेल्थ भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे शुरू हुई, ये सूबे को खुद मुख्तारी देने के वाले से हुई ना, यानी अद्वियात रजिस्टर्ड करानी थी, जब देखा तो अद्वियात रजिस्टर किया सूबे करेंगे,
तो वाक में कैसे होगा? अल्टीमेटली क्या हुआ, ड्रैप बनाया, रेजोल्यूशन पॉइंट्स की और वापस गए आप। ये मैं सबसे बड़ा फ्लॉ बता रहा हूं। और फिर क्या हुआ, आपने मैं पिटीशन बताने लगा हूं, मेरे रिटो में लिखा हुआ है, मेरी डेंगी जब आई यहां पर, डेंगी आई, मीजल्स आया, तो मैंने बायोलॉजिकल वारफेयर की बात वहां की, कि बकायदा प्लानिंग के साथ। आज कोरोना के वाले से 200 अब तो कई बातें खुल के सामने आ चुकी हैं। सूबों को खुद मुख्तारी देने के पीछे एजेंडा ये था जो प्लान, यानी मुझे आप भट्टो साहब के हवाले से बात याद है, जब मलेरिया के हवाले से तहकीक में मैं बात कर रहा हूं मुरीद के कॉन्टेक्स्ट में, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, कि वहां वो बकायदा कैरी करके लाए, लार्वा यहां फेंका, फेंक के लोगों के ऊपर तजर्बे किए। ये तो अपना जालौक साहब ने एयरपोर्ट से उतर नहीं दिया उस बंदे को, अमेरिकन को उठा के बाहर फेंक दिया, और हमने उन लोगों को, ऐसे लोगों को बैठ के यहां आने दिया। फिर तीसरा इशू है एनवायरमेंट का, माहौल के हवाले से भाई आपने इंटरनेशनल ट्रीटीज करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। चौथा जो ये और मैं इनको इकट्ठा करके कर रहा हूँ, नेशनल फाइनेंस कमीशन, भाई सूबा वफाक नुकसान में जाए फायदे में जाए, आपने 57.5% सूबों को दे देना, वो जाने उनका काम जाने, और 42% रहना वफाक के पास, वफाक वो इस्लामाबाद का काम करेगा सारा, और कर्जे जितने लेने हैं बाहर के उनका सूद देना, यही वजह सूद इतने फ्लेयर आप हो गए। और पीछे ये था, आज कहते फिर रहे हैं हमें फंड नहीं दिए, हमें मास्क नहीं दिए, भैया आपको जो पैसा मिल गया उससे खर्च करो। वैसे भी असूली तौर पर 18वीं तरीके के जरिए सिक्योरिटी के इशू जा नहीं सकते, ये हेल्थ जो है ना ये सिक्योरिटी का इशू, हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सारे मामला डिवॉल्व नहीं हो सकते, ये सोची समझी साजिश है, इसके तहत वफाक को नुकसान पहुंचाने की। करण साहब ये तो सदीक साहब ने जो बात की है कि ये सिक्योरिटी मैटर्स हैं, सिक्योरिटी मैटर्स कहाँ रह गए, जब आपने देखा पिछले दौर में कि चाइना और तुर्की में हमारे सूबाई वज़ीर आला इस तरह स्टेट हेड बन के वहाँ दौरे करते थे, और वो लोग यहाँ आते थे, मुआहदे करते थे, बकाया तौर पर ये यहाँ मुआहदे होते थे डायरेक्टली, और ऐसे ही है ना इस्तकबाल होते थे, और स्टेट हेड इन मसला तो काफ़ी हद तक मैं समय बिगड़ चुका है। और इसमें जो आर्टिकल में सबसे अहम बात वो ये है थी कि अगर पूरे मुल्क में कहीं ज़रूरत पड़ जाए, जैसे वबा है किसी सूबे में पड़ जाए, तो 18वीं तरमीम पाबंद करती है कि सिंध का जो हिस्सा एक दफ़ा वो ले चुके हैं, अगले नेशनल फाइनेंस जो कमीशन है उसमें उसका काम नहीं कर सकते आप, वो देना ही पड़ेगा आपका पैसा रहे या ना रहे। एक बात शायद सब बहुत सारी बातें तो अज़र सदीक साहब ने उस तरह कवर की। मैं आपके प्रोग्राम पे आने से थोड़ी देर पहले रेडियो पाकिस्तान पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं इंडिया की लीडरशिप के बारे में बात कर रहा था कि इंतहाई कोताबी, इंतहाई सब स्टैंडर्ड, सेल्फ सेंटर्ड। और जब अब 18वीं तरमीम को मैं देखता हूँ, उसके अंदर जो किरदार आते हैं, रज़ा रब्बानी तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली नेगेटिव। ज़रा सारे उसका रिकॉर्ड खोल के देखें तो बड़ी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, चाहे आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, शहबाज शरीफ की, या फिर आसिफ जरदारी की, यूसुफ रज़ा गिलानी की, और फिर अब जिस तरह का रवैया मैं समझता हूँ कि इसका है बिलावल भुट्टो का या बिलावल जरदारी, इसमें भी बड़ा लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या है, तो आपको बड़ी हैरानी होती है ये किस तरह के लोग हैं, व्हाट हैव दे बीन डूइंग एक्चुअली इससे पहले। और 18वीं तरमीम जब इन्होंने की, और जिस तरह का 102 आर्टिकल को इन्होंने उल्टा सीधा कर दिया, तो आप ये सिर्फ देखिए कि ना इसको डिस्कस किया गया, एक कमेटी थी उसके अंदर कोई बातचीत चली, असम्बली के अंदर आए बगैर पढ़े, सब ने कहा जी 2/3 होगी, व्हाई इट इज सो, बिकॉज उसमें बहुत सारे जो सब कुछ करना चाहिए था उसमें भी कंसर्न भी दरमियान में लूंगा कि आप भी के स्टांस को करता हूं। ये कहते हैं कि हमने दो तहाई कसरी से किया, दुरुस्त है, ऐसा ही है, लेकिन ये सारी पार्टियां 1973 के जो आइन बना था, एक एक सीट वाला भी मौजूद था, डिस्कशन हुई, इन्होंने अपना बलडोज किया अपनी अददी ताकत की वजह से, ऐसा ही हुआ। उस तरह हर पाकिस्तान का लोग उसमें शामिल नहीं है। दो पार्टीज उसके अंदर मेन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप यूं समझ रहे कि ऐसा लगता था कि एक सेमी ऑटोनमस थे, वो ऑटोनमी चाहते थे और बिल्कुल ऐसे ही मैं चाहते अगर थे। इजाजत दें सर, इसमें सर जवाब लेना, मैंने आप बात समझिएगा, आपको पता है हम अक्सर बैठ के बात करते हैं आर्टिकल 63 की, वो पार्टी के साथ जो MNA MP हैं वो तो बेचारे बेट पगड़ी हैं, जो सदर ने बैठ के फैसला कर लिया, पार्टी अगर नहीं करेंगे डिफेक्शन में चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। यहां बैठ के आज भी आपको इन बड़ी आईनों की तरमीम कराने के लिए रेफरेंडम होना चाहिए था, आवाम से राय लेनी चाहिए थी, आप तो बैठ गए आर्टिकल 63 में डिफेक्शन में बैठ के तबाही कर दिया आपने। 18वीं तरमीम में इतना डिफेक्शन वगैरह की जो शक्ल सारी बनी है 18वीं तरमीम के अंदर बनी है सारी। ये अदर भाई आप बताएं 18वीं तरमीम में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे जब 18वीं तरमीम हुई, नंबर ऑफ
पार्लियामेंटेरियन दो थे, थी, नहीं, 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 जो जो उसको बना रही थी, जो उसके मेकर्स थे, वो तो वो कितने थे कमेटी में 13-14 लोग थे ना। उनको एक सवालनामा भेजा जाए कि भाई आपने जब 18वीं तरमीम की, जरा इस पे आप लिख दें। अब तो गॉन आर द डेज, वो टाइम तो गुजर गया ना जी, अब तो हम आगे चलेंगे ना कि आगे इसको क्या नहीं, बट इसका मतलब ये है कि उनको क्या पता नहीं है। नहीं, नून लीग का वो इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ को तीसरी टर्म। मैं जो चीज आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ, नॉट ओनली दिस फोरम, जहां जहां मुझे मौका मिला आईसीजी की इस 18th अमेंडमेंट को, उसके ऊपर आपको रेफरेंडम पे जाना पड़ेगा और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करेगा कि जी आप रेफरेंडम करा सकते हैं। दूसरी बात आपसे मैं ये आपसे कहूंगा, पीपल्स पार्टी ऑटोनॉमी के ऊपर सर्टली, वो जिस शेख मुजीब के 5 पॉइंट, बिल्कुल आपने ठीक सवाल रेज किया, वो 5 पॉइंट पूरे हो गए सिवाय 1 पॉइंट के, ये ग्रेटर पंजाब पे दोनों भाई काम कर रहे थे और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये 18वीं तरमीम का जो शाखसाना था ना, ये स्पेशली जब कोविड-19 आया और उसके अंदर जिस तरह का आप मुखासमाना रवैया आपने पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर देखा, फिर कराची वालों के साथ देखा, अब उसी के साथ मैं लिंक करूंगा, कोटा सिस्टम 1973 से चल रहा है, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवर सेल्फ कि यार इमेजिन करो कि उस कोटा सिस्टम को इन्होंने अभी तक कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। इंटीरियर सिंध अलहदा है और जो बाकी जो शहरी इलाके हैं वो उनका कोटा अलहदा है, और अभी भी इस वक्त जो स्पेशल सीटों का एग्जाम हो रहा है 188 का, इकबाल शाह साहब उसके अंदर तो सीटें जो हैं कराची की वो तो ना होने के बराबर हैं। मैं एक आपसे अर्ज करूंगा, ये सिस्टम और ये जो पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ एब्सोल्युटली रिडंडेंट। आप 1973 से इसको देखते चले आए हैं और बिल्कुल मैं अज़र सदीक साहब को यहाँ पे सेकंड करूँगा, इट इज़ बेसिकली हर चीज़ सारी सियासत पार्टी लीडरशिप के अंदर घूमती है। जिस तरह का सब स्टैंडर्ड आदमी नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, वैसी सब स्टैंडर्ड लीडरशिप पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद थी, वही नून लीग के अंदर मौजूद थी, वही सिचुएशन आप इस वक्त भी इनके अंदर देखते हैं। और किसी एमपी एमएनए की जरूरत नहीं है, आज किसी एमएनए एमपी से पूछे ना उसको 18वीं का पता है कुछ नहीं। आप बताएं कि क्या फिर सुधारती निजाम की तरफ जाना चाहिए, आप किसी भी तरफ चले जाएं, लेकर ये सिस्टम आपको डिलीवर नहीं कर सकता। दिस इज यस, ये दिस कांट रिजॉल्व एनी ऑफ योर इशू, मुझे आप ये बता दीजिए ना, यानी ये कॉज ऑफ मोर इशू बन रहा है, आप असेंबली के नंबर देख लें या उनमें बैठे हुए लोगों की पर्सनैलिटीज देख लें, वो आम बंदा आपको आपने अटेंड किया था ना इजलास नेशनल असेंबली का, और आपने कहा था कसम खा के अंधा मैं इन लोगों को सुनने नहीं आऊंगा, दे आर सब स्टैंडर्ड पीपल, खुल के बात करें ना आप। सवाल इन्होंने उठाया ना बड़ी साहब ने, ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया, अगर हम खिलाफत का अपना निज़ाम देखें क्या वो इस तरह का निज़ाम था? आप जरा सोचिए ना, हमने तो कहा है जमहूरियत लोगों के लिए, आवाम के लिए, आवाम जहाँ आवाम कहीं नजर आती है वो, ये तो ताकतवर लोगों के लिए, जातियात के लिए, खानदानों के लिए, और वो हर करप्ट और हर वो आदमी के लिए जो गॉड फादर या सिजिलियन माफिया है, आपके इस जो भी जमहूरी निज़ाम है फेल हो चुका है। अच्छा, मैं ना एक चीज मैं पूछता हूँ, नहीं नहीं एक फेल हो चुका है, लेकिन अज़र भाई एक आपसे पहले, अज़र भाई फिर आप ये क्लियर कर दें, अभी आपने कहा ना भाई साहब, फिर इसका मतलब है कि हमें सिदारती निजाम की तरफ जाना चाहिए। वी हैव टू, देयर इज पाकिस्तान का मैं 100% इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूं, आप भी एग्री करते हैं। देखिए मुझे, मैं शायद साहब एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अभी जब कोरोना वायरस आया आपने लोगों में राशन खाना पानी तकसीम किया? बिल्कुल किया, ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी, और फिर उन लोगों की है जो एमपी एमएनए जो आप मुझे ढूंढ के दिखाएं, कितना वो इस वक्त क्या वो अपनी कौम के सामने नहीं खड़े हो सकते? आप ये देख लेना, ये चीज मैं सामने देख रहा हूं, आपने ये काम किया, हमारे पास वक्त कम है, चाहे सवाल कर लेते, आपकी बारी है, मैं ये कहता हूँ आपको अगर कोई याद हो तो मुझे बता दीजिए मुबैना तौर पर ही से कि जो पार्टियों के हेड्स हैं उनकी मिलें भी हैं 16-16 किसी की कितनी है, और मुबैना खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड भी है और नजर भी आ रहा है कि है किसी का, अगर आपको याद हो कि उन्होंने इस कोरोना फंड में कोई पैसे दिए हैं तो जरा मुझे। अच्छा, यहाँ मैं ऐड कर लीजिएगा मेरा सवाल, नहीं मेरा सवाल ऐड कर लीजिएगा, उसका भी जवाब दे दें, उसका जवाब नहीं सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। जहांगीर खान तरीन को एक शुगर फैक्ट्री कहते हैं ससुराल से मिली थी, उसने मुशर्रफ को ज्वाइन किया, उस दौरान में उसकी 4 शुगर फैक्ट्रीज हो गई, अब 6 हैं, आप ये भी बता देना उसके पास ये सारा कुछ कैसे आ गया, बैंक में नौकरी करता था ना, आप सबको बताइए। पहले बैंक से पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी के
लेक्चर रहे आप हुए बताएं आप। आप एक बार शाह साहब खुल के सामने आते हैं, सारी बात नहीं है, हम ये सारे नंगे हैं, ये शाह साहब बोला जाएंगे, शाह साहब नहीं है, नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं वो नहीं है। और ये बड़ी है कि हमने काफी कोशिश की हमारे पैनल ने कि कोई ऐसा सियासतदान मिल जाए जिनके अरबों खरबों रुपए की मिलने भी हैं और उन्होंने कोई आपके इस कोरोना क्राइसिस में कोई बहुत मेजर फंड दिया हो, ऐसा नहीं निकला। अच्छा आखिरी, लेकिन खान साहब को अपनी एटीएम्स को जो मशहूर हो गई एटीएम्स उनको अब स्नब करना चाहिए। बिल्कुल, अब हम आते हैं कि इस वक्त जो इससे भी ज्यादा कोरोना से भी ज्यादा खौफनाक सिचुएशन है, और आपने देखा कि आईएसपीआर के मेजर जनरल साहब ने वो कहा है कि इंडिया कोई भी एडवेंचर कर सकता है, और उन्होंने जो हम पर इल्जाम लगाया है कि हमारे यानी हमारी तरफ तैयारियां मुकम्मल हैं और वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है, इसमें जब आप कई दफ़ा आपने कहते हैं हमारे प्रोग्राम में कि जो इंटरनेशनल आलमी एजेंडा है वो बेशक वबा की सूरत में हो या किसी और जगह हो वो एक्टिव है। अच्छा देखिए, क्या ये एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि ये बात फ्लैश पॉइंट तो बन चुका है। अच्छा एक बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान गालबन ऐसा मुल्क है जो ट्रेंड पूरी दुनिया से हट के है, यहाँ कोरोना से अमवात का, स्पाइक का, सारी इश्यूज का, ये भी लोगों को ये ना कहें क्योंकि लोग बड़ा बादलों में बाहर निकल आए। ना मैं और बात करने लगा हूं, ना मैं और बात करने लगा हूं, मैं सिर्फ ये कहने लगा हूं, मैं बाकी तो देख लिया हर एक ने क्या हाल किया आपने, यहां जो हालात तो यही देखे जा रहे थे ना पूरी दुनिया के अंदर, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा हूं कि ऐसे हालात आ जाए कि सिक्योरिटी का मैं क्यों इशू कह रहा हूं कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाए तो जाके लड़ेगा क्या? बिल्कुल, जहां भी जरा बात समझिएगा, आपको याद है शरीफ खानदान या शरीफ माफिया के अगेंस्ट जैसे ही ये मुल्क में हालात दूर होते थे एलओसी पे वायलेशन शुरू हो जाती थी। आज वो खानदान यहां पर मौजूद नहीं है ना, तो प्लानिंग तो वो ऑलरेडी मौजूद है, यानी इस वक्त आपको आप यहां पर अगर आपकी फौज और बाकी इदारे कोरोना को हैंडल करने के लिए आपके साथ ना खड़े हो, मिसाल के तौर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या बाकी लोगों को देखें, वरना तो वो बिलावल साहब ने वो जहाज निकलने नहीं देना था, वो तो कह रहे थे जहाज मेरा है, चाइना ने हरा के वो भेजा पाकिस्तान को था, आपने ये रिकॉर्ड पे चीजें सारी देखी है, बहुत बड़ा मजाक था। और अभी भी फिलहाल सिर्फ कराची लैंड हुआ है, और देखे ना अभी भी, और बड़ा मजाक उड़ा, और अभी भी हालात और वाकया देखें, यहाँ टोटल जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग हम वो हम जिक्र कर चुके हैं, हम बात भी कर चुके हैं गजवा हिंद के हवाले से भी, और हम यहाँ भी आजकल हालात में भी देखें, वो सो कॉल्ड लिबरल, देसी लिबरल और ये वो सारे रजा रबानी जैसे लोग आज भी टारगेट फौजी को करते हैं, आज भी वो इनडायरेक्टली बातें बैठ के उनका बस नहीं चलता है, वो चंद लोग जो बैठे वहां वो चैनलों की शक्ल में बैठे हों, बड़े एंकरों की शक्ल में बैठे हों, और उनका फोकस सिर्फ इतना है, इन्हें इतना नहीं पता कि इतने बड़े महाज के ऊपर और ये जो एग्रेशन चल रही है, हमने डीजी आईएसपीआर से सुन लिया कि कितनी ज्यादा है और कितनी इंटेंसिव है, और जिस तरह बैठ के वो फेस कर रहे हैं, हमें अपनी फौज पे और बाकी दारों पे बड़ा यकीन है कि वो कोरोना को भी हैंडल कर रहे हैं और इसको भी हैंडल कर रहे हैं इंशाल्लाह, और बेहतरी की उम्मीद है, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन हमारे सियासतदान नहीं आए एक पेज के ऊपर, आएंगे भी नहीं, आएंगे भी आएंगे। अपना करण साहब, आप तो रोशन रेडी, आप तो जाहिर है फौजी भी हैं, तो क्या कहेंगे इस वक्त जो आम सिविलियन समझ सकता है, क्योंकि एक हमारे मुल्क का मसला तो यह है कि एक चीज़ अगर खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, आती है, वो कहते हैं मुझे एक और दरिया का सामना था जो मैंने दरिया के पार उतर के देखा, तो ये जो खुफिया इस वक्त ना नजर आने वाली है, ये भी कुछ लोग ये कहते हैं आपकी तरह जो दफाई तजियाकार हैं कि ये ज़्यादा सीरियस है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा ख्याल है वी ऑट टू बी वेरी केयरफुल, और स्पेशली इस वक्त जो कोरोना के बारे में जो इकदाम हैं हुकूमत के, और फिर उसी के साथ आप अपनी आर्मी को, आर्म फोर्सेस को उनके साथ देखते हैं, नेवी को, एयरफोर्स को काम करते हुए देखते हैं, सर्टनली हम सब मिलजुल के मेरा ख्याल है इसको नाकाम कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो कुछ अक्रॉस द बॉर्डर, जो अक्रॉस द एलओसी और वर्किंग बाउंड्री जो कुछ सामने आ रहा है, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी आई वुड से के अलार्मिंग है, और हम डेफिनेटली उसके लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर 18वीं तरमीम के आप सहारे पे रहते तो मेरा ख्याल है आई यू आर नॉट बीन एबल टू डिफेंड योर कंट्री दैट वे, एज मेरा ख्याल है आपकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी यहाँ पर मौजूद है, दैट इज़ मैक्सिमम व्हाट आई कैन से। और मेरा ख्याल है इंडिया को अगर किसी तरह की कोई गलत फहमी है, वो पिछले साल 27 फरवरी को भी दूर हो गई, और अगर फिर भी वो कुछ करना चाहते हैं पूरी दुनिया की तवज्जो अपने आप से हटाने के लिए, मेरा ख्याल है तब भी सिचुएशन काफ़ी हद तक उनको बताइए। नहीं बिल्कुल, मैं इन्होंने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया अजहर भाई ने, और कर्नल साहब ने तो उसको एंड अप कर दिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया जो कुछ कर रहा है वो डेफिनेटली, देखे ना इंडिया में एक चीज़ चल रही है कि वहाँ का कोरोना को भी वो इस्लाम से लिंक कर रहे हैं, इस्लाम से लिंक करने के बाद जो देखिए वो कसूर हमारा है। आजी, 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 ना, ना, बड़ी साहब के बात पूरे कर, नहीं सर आपको आसानी हो जाएगी, वो कसूर हमारा है।
आप अंदाजा लगाए PMLN ने और उन्होंने क्या जुलम किया, पहले तब्दीली जा डाल दिया फिर जारीन पे डाल दिया, डूबरने का मकाम है। अच्छा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनको हिट यहां से मिला, वहां से चूंकि मुसलमानों पे वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, वहां के मुसलमानों का प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए वो LOC की तरफ वो भागते हैं, कश्मीर से हमारी नजरें हटाने के लिए वो LOC की तरफ जाते हैं और वो हम पे ये इल्जाम लगाना चाहते हैं। इंडिया वो में इंडिया हम पे ये इल्जाम लगा रहा है कि कोरोना में भी पाकिस्तान नहीं कर रहा। अगर आप उनके मीडिया को सुने वो मुसलमानों को इसका सबब बनाने का मतलब ये है कि जो अंदर ज्यादती हो रही है उसके रिएक्शनरी तौर पे वो ये कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ जो कर्नल साहब ने कह दिया कि हमारी अफवाज दुनिया की बेस्ट और मुसलमानों की नंबर वन अफवाज है। अच्छा एक मिनट, और मैं ये समझता हूँ ऐसी अफवाज खत्म हो गया, सिर्फ एक मिनट या एक लाइन में कि आवाम को भी ये बताइए कि खतरा टला नहीं कोरोना के मुतल्लिक एक लाइन। अच्छा ये देखिए मैं बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है, आज पिछले जब देखे ना 40 के करीब अमवात हुई हैं, ये बिल्कुल सोशल डिस्टेंस निकली हुई है, हकीकत है ये। तो अब देखे ना हमें, देखे हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कारोबार बंद कर दें आप, लेकिन आप एहतियाती तदाबीर पहले लगें इलाकों में, लोगों में अवेयर, वो समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, हम इसको कुदरती ले लें या बायोलॉजिकल ले लें, इसके असरात हैं तो इतनी अमवात हो रही हैं, हमें थोड़ी सी मेहनत करके जाती है, बिल्कुल अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखें आज आपके सामने मेरे कोर्ट में केस लगा था, मैं कोर्ट में आज नहीं गया हूं, और हमें इसको सख्ती से बहुत मजबूरी हो। मास्क मेरा जेब में पड़ा है, मैं सिर्फ दिखा दूं आपको, मास्क पड़ा हुआ है मेरी जेब के अंदर इस वक्त, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कितने पाबंद हैं, सैनिटाइजर साथ रखा हुआ है और ये सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है, ग्लव्स मेरी गाड़ी में पड़े हुए हैं, हमें एहतियात करनी है। देखिए मैं एक चीज़ आपसे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मेरा ख्याल है जैसा भी है ना, आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए कारोबार बंद कर सकते हैं ना, इवन लोगों को बंद कर सकते हैं, आप उन लोगों की सिचुएशन पर भी अंदाज़ा लगाएं, एक घर छोटी सी चार दीवारी एक कमरा है और 8 अफराद उस घर के अंदर रहते हैं, आप कहाँ पर घरों को लोगों को मुकैद करेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कोई हमें अननेसेसरीली बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जिस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, वो हमें 100% उसको इंश्योर करना है, और जो जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट देती है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इसमें शायद सब जो दोनों दोस्तों ने कर दिया, मेरा भी एक ये राय है कि हम ईज टू लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हमें शट डाउन करना पड़ेगा अभी इसको चलाने के लिए, और उसको शट डाउन कह लें या शटर डाउन कह लें, ये बिजनेस को कुछ देर बिजनेस कम्युनिटी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतना पैसा कमाया हुआ है, लेकिन जो आवाम है उनको इजी करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट ने SOPs और गाइडलाइंस दे रखी है एहतियात के साथ करें। अभी ये महीना शायद सब हमारे लिए खतरनाक, ये महीना अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, लास्ट ये है कि जो भी हुकूमत कोई प्रकाशनी मैयर ले रही है, आपको बता रही है, जिस तरह वजीर सेहत पंजाब ने कहा है कि लाहौर जो है वो कोरोना का हब बनता जा रहा है, इस बात को मजाक में मत उड़ाइए, क्योंकि दूसरी दुनिया के हालात अभी बहुत सीरियस हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत खुद भी आवाम के ख्याल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को कुछ नरम करने जा रही है, वक्त ज़रूरत बड़ी अशद ज़रूरत में आप बाहर घर से निकलिए, अभी ख़तरा टला नहीं है, आप अपना रहले खाना का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।